कोरबा लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत ने संसदीय क्षेत्र के पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांवों का दौरा किया। गांव में उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए महंत ने कहा कि सर्वांगीण विकास और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार चुनकर लाना होगा। और इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा फिर से आई तो आदिवासियों की जमीन छीन ली जाएगी और अडानी कोयले की खान खरीद लेंगे। अदानी और अंबानी से बचना है तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और कांग्रेस की सरकार केंद्र में लानी होगी। जनसंपर्क के दौरान ज्योत्सना महंत ने कहा कि आज युवा पढ़ लिख कर डिप्लोमा लेकर खाली बैठे हैं और 10 साल से केंद्र की सरकार इन्हें नौकरी नहीं दे सकी। कांग्रेस ने तय किया है कि सरकार बनने पर डिप्लोमाधारी युवाओं को ट्रेनिंग देंगे और साल का 1,00,000 रुपये भी मिलेगा और ट्रेनिंग के बाद पहली पक्की नौकरी भी दी जाएगी। किसानों को कर्ज माफी के साथ साथ GST मुक्त खरीदारी का भी लाभ मिलेगा और प्राकृतिक आपदा से फसल की नुकसानी पर 30 दिनों के भीतर मुआवजा भी मिलेगा।